तो गाइज घूमने के लिए आ चुके हैं और अब मसूरी बूट इसी चीज का साग देखने वाले हैं कि मसूरी देखिए, मसूरी का पेड़ दिखाइए आप, जैसे हम लोग खरीद कर खाते हैं नजदीक कीजिए मसूरी तो ये रहा देखिए मसूरी का पेड़ है, बहुत खूबसूरत दाना आता है इसमें छोटा छोटा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत महंगा बिकता है, 70 रुपए 70 रुपए के जी बिकता है सब। ये देखिए मटर है, मटर दिखाइए, मटर भी ये रहा मटर, ये तो चना में मटर एक आध को दिख रहा है आपको, हम आपको मटर के खेत में ले जाएंगे, थोड़ा दूर अभी थोड़ा वेट कीजिए। तो सर आप हम लोग ऐसे धांग रहे हैं तो ये इससे कुछ नहीं, धांग नहीं रहे हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उड़ जाएगी उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए तो बस खाली कबाड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपको हाथ दिया जाए तो आपका हाथ क्या बोल रहे हैं सर, अगर किसी का हाथ को कबाड़ेंगे तो हाथ जुटेगा, लेकिन इसको तोड़ देंगे तो जुट नहीं सर, बट इसमें ऐसा सीन नहीं, अगर इसको कबाड़ के वापस रोक देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा नहीं होता है, नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। चना देखते हैं सर, ये रहा चना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए दिखाइए अच्छा से, अच्छा कैमरा सीधा करके दिखाइए ना, फरा हुआ नहीं है अभी ये फरा हुआ नहीं है, नहीं अभी फूल लग रहा है, देखिए अभी फूल लग रहा है, देखिए अच्छा कैमरा बैक करके दिखाते तो अच्छा दिख। ये चना हो गया और सरसों का खेत, हिंदी में उसको बोलते हैं बूट, देहाती यह सरसों, देखिए सरसों है, ये सब देख चुके हैं, काला सरसों है ठीक है, इसको राय बोलते हैं हम लोग, इसमें काला वाला निकलता है, पीला वाला सरसों कौन सा होता है, पीला वाला आपको चलना पड़ेगा हुआ सर, उसका इतना बड़ा बड़ा हुआ, फिर फरी हो गया उसको। अच्छा ये सब काला वाला सरसों है, इसी से तेल वेल निकलती है ना सरसों का तेल, क्या बताऊं आपको, ये सब जो ये सब मेरा ही, सब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वहाँ दिखाएं आपको, फिर उधर है और उधर, ये रहा मोटर अपना, यहाँ से पानी वानी जब बरसात के दिन नहीं होते तो ये पानी पड़ता है इसी से। हम लोग तीन भाई हैं, भाई हम लोग को इतना जमीन है कि फिर हमको हम लोग, और अभी अभी लगता है ये बोरिंग हुआ सर ना, हाँ ये अभी हुआ बोरिंग, पटाने के लिए पटाए हैं, खुद से पटाए हैं दोस्त, खुद से मेहनत करके। वाह, तो और कौन पटाएगा सर, आप ही को पटाना पड़ेगा, आप बता रहे हैं कि बटैया उटैया लगा नहीं है, फिर देखो हम इसलिए काम करते हैं कि हमको शौक पूरा होता है, हम कमाते धमाते नहीं है। वाह ये सही बात आपने बोली, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, यहाँ हम लोग जमींदार ठीक है, हम लोग जमींदार हैं, लेकिन पहली बार इधर वो चल रहे हैं आरी बारी पे, तो गाइस गिर बचैया हो, जिसे हम लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे थे, हम लोग को पैसा नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग तभी सुकून के लिए करते हैं। का काटा है जो देख भाई, यही काटा भी गड़ा भाई, कौन सी काटी है भाई, गड़ने के बाद ना इसको बहुत खुल जाएगा आपको, गोखुल का काटा, गोखुल नाम है इसका, गड़ जाएगा बहुत भाई, ये पता नहीं कौन सी काटा है भाई, गोकुल का काटा, जैसे बेल का पत्ता का अथी होता है ना पेड़ में, ये क्या काटा, और ये काटा घपने से बहुत कतो खुजली होती है, और अभी दो बार घप चुकी है, खुजली तो खैर नहीं हुई बट बहुत सारा है काटा, ऐसे कैसे चल लेते हैं भाई इन लोग गांव में, हम लोग इतना घास गड़ते हैं कि काटा एन्ने 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 सब रुक जाता, आगे हम लोग चलना क्या है सर, चलना है ये नहीं, काटा एन्ने एन्ने गड़ जाता है तो कैसे काम होता है सर, सहयोग करते हैं हम लोग को, हैबिट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा तो गाइस यहाँ पे एक सलाह मिला, काम कर लेंगे, जाएंगे नहाएंगे धोएंगे फिर मारेंगे, फिर कौन कहेगा घास गड़वा है, पहन लगवा पहन लेंगे फिर बूट, या अभी तो घास गड़वे कहेंगे आदमी, देखिए दोस्त मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप मेरे गांव में कभी आइए घूमिए, बहुत खूबसूरत गांव है ठीक है, एक बार आइए चांस दीजिए, इसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया जाएगा अगर किसी को वो लेना हो, हाँ, कोई भी चीज खेत पे, कोई भी चीज खेत गृहस्थी, मोदी सरकार ने काम कर रखा है, गाँव गाँव रोड जोड़ रखा है ना भाई। तो ये रहा पीलो पीला, हम लोग खुद कैमरा पकड़ सकते हैं अपना कैमरा, ये पीला कैमरा के फोन से हम लोग शूट करते हैं, हम लोग उतना अमीर आदमी तो है नहीं, पीला सरसों है ये, पीला सरसों है, चलो कोई बात नहीं, ये बहुत सारे लगे हुए हैं घर देख रहे हैं, और ये घर में भाई देखने को तो ये लग रहा है कि भाई जैसे ये घर में चोरी वोरी हुआ पड़ा, चोरी नहीं हुआ ये बहुत बड़ा लफड़ा है, मर्डर उर्डर का है, क्योंकि सारा गेट वेट निकला पड़ा है। 8 बीघा में चना लगा हुआ है, 8 बीघा में चना होगा, करीबन 4 बीघा 4.5 बीघा में मसूरी होगा, कुछ में मटर होगा, मेरा मतलब ऐसे ही करके लगा हुआ है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है सर, इस साल तो पानी सर हुआ नहीं, बस देखिए पानी नहीं हुआ इसीलिए चना भी मच गया, नहीं हुआ देखिए जहाँ तहाँ जमा हुआ, जहाँ तहाँ नहीं जमा हुआ है, खाली घास जमा हुआ है, तो यही सब घास हम लोग बड़ा होता है, कोई करके कबाड़ के ले जाते हैं, गाय को खिलाते हैं, गाय बहुत पौष्टिक आहार है गाय के लिए। हाँ ये तो चीज़ सर, एक चीज़ जानना चाह रहे भाई, इधर आओ जी बोलिए, ये देखो ये किस चीज़ का पेड़ है, ये बहुत खतरनाक पेड़ है सर,
देखिए ये अगर आपके शरीर में इसे मार देंगे अभी नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये सूखा हुआ रहता है तो इसको हम लोग करते हैं खुल जावा, जैसे देखिएगा ये चिपक जाता है, ये चिपक जाता है, ये चिपक गया था वैसे ही चिपक जाएगा बिल्कुल। तो ये नाम कैसा है? खुजलावा। खुजलावा, बहुत खुजला। तो गाइस देहाती भाषा में इसे खुजलावा कहते हैं। बहुत खुजलाता है मतलब अगर शरीर में लग जाएगा ना बहुत खुजला। ऐसा इसका नाम तो कुछ होगा साइंटिफिक? पता नहीं हम लोग को, पता नहीं है गाइस, बट हिंदी में आप जान लो खुजलावा। तो खुजलावा पेड़ यही अपना सोच रहे हैं फोटो वोटो खिंचवा लें, लेकिन फोटो क्या है खिंचवा। ये काला सर, ये पीला सर क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा सर आप लोग आगे आइए सर, थोड़ा सा सर तो आप लोग पानी रहता है सर जितना दिखा रहे हैं ना आप। हाँ सर बताइए। जब बरसा का मौसम रहता है तो इसमें पूरा पानी भरा भरा था, पूरा का पूरा पानी। इधर उतना पानी नहीं होता है क्या? पानी होती है लेकिन टाइम पे नहीं होती है, तो धान नहीं, नहर है नहीं कि धान होएगा। बहुत सूखा खेत था इधर। हाँ केवाल मिट्टी है, होता तो बहुत बढ़िया होता है लेकिन नहीं होता है। फिर केवाल मिट्टी है सारा, सारा केवाल मिट्टी। तो इधर आपको नदी नहर नहीं मिली? डर मन ठहरता है डर मन सर बहुत होता है सर, चार चार लाख पच पच लाख धान बेच देते हैं, नहीं हो पानी भरा तभी हो तभी तब फिर आपको क्या दिक्कत है सर? फिर तो आपका जहाँ तब खेती करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आज चलने में बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, पहली बार खेत में ऐसे चल रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, बट मजे भी आ रहे हैं, काफी नए नए चीज सीखने को मिल रहे हैं और देखने को पानी मिल गया कि पीयर हो गया। और जैसे कहा जाता है गाइस किसी चीज को ज्यादा करने से वो भी खराब हो जाती है, तो ये गेहूं पीला हो चुका है। जैसे मैं आपको एक ज्यादा बताएंगे जैसे गिला गाइस, तो एक चीज बुरा बात लगा मेरे को, ये गांव में स्वच्छ भारत अभियान का नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, काफी स्मेल हुआ यहाँ पे। ये बंदा है ना, ये स्वच्छ भारत अभियान को साफ रखने में बिल्कुल मदद नहीं करता है, यहाँ पे आते के साथ इसने किया सुबह सुबह। ये रहा इस गांव का स्कूल, यहीं पे पढ़ के सारे लोग अमीर बनते हैं और पढ़ाकू बनते हैं। बहुत घूम ले हम लोग, अब निकलने की ओर अपने शहर तरफ। तो अभी से एग्जिट चला जाए अपना, तो अपनी बाइक यहाँ पे लगी हुई है।